गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। तो अभी बच चुके हैं सुबह के 6 और आज है 16 नवंबर। तो उत्तराखंड की न्यूज देख लेते हैं। देहराखास में हुआ अनैतिक देह व्यापार का खुलासा, 8 महिलाओं सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में पटेल नगर पुलिस ने देहराखास के TFTC कॉलोनी में एक फ्लैट में काफी समय से चल रहे अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए 11 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। संचालक महिलाओं को भूटान, बांग्लादेश सहित विभिन्न राज्यों से बुलाकर दून के होटलों, पर्यटन स्थलों में भेजता था और मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। प्रदेश में जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटारा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करने जा रही है नई भर्तियां। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द 3 नई भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले 15 दिनों में यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल के करीब 200 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग में करीब 100 पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों में इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के करीब 50 पदों पर भर्ती निकलने जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज गर्जेंगे कर्मचारी। परेड ग्राउंड में जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारी। पुरानी पेंशन बहाली की पुरजोर मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश भर के कर्मचारी देहरादून गर्जे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया गया और इसके लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी देहरादून पहुंचे। कूच को लेकर परेड ग्राउंड में भारी संख्या में उत्तराखंड समस्त शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के सदस्य मौजूद रहे। सैलानियों के लिए खुल चुके हैं कार्बेट और राजाजी पार्क के द्वार। वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों को टिकट में छूट। कार्बेट पार्क का ढिकाला जोन और राजाजी टाइगर रिजर्व का मोतीचूर व चीला रेंज का प्रवेश द्वार आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। राजाजी में वरिष्ठ नागरिक, स्कूली बच्चों और एवस्कों को सीट टिकट शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। 16 व 17 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो 16 और 17 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 16 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगे और देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार शाम को यानी कि आज शाम को सिसोदिया उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। रात में एटीएम उखाड़ रहा था युवक हरिद्वार में और हैदराबाद से पुलिस को आई कॉल और दबोचा गया चोर। हरिद्वार में रविवार की रात में एटीएम उखाड़ रहे एक युवक को हैदराबाद से आई एक फोन कॉल के बाद रानीपुर पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल एटीएम उखाड़ने का प्रयास करने पर हूटर बजने लगा और इसका अलर्ट सीधे हैदराबाद आंध्र प्रदेश हेडक्वार्टर को मिला। वहां से हरिद्वार पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और रानीपुर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में एक टीम ने युवक को दबोच डाला। देहरादून में वाहनों की शीशे तोड़कर चोरी करने वाले टप्पेबाज गैंग का खुलासा, 6 लैपटॉप बरामद। देहरादून की वसंत विहार पुलिस ने रैके पर सड़कों पर खड़े वाहनों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले टप्पेबाजी गैंग का खुलासा कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दून, दिल्ली आदि शहरों से चोरी किए गए 6 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। आरोपी लैपटॉप आदि चोरी कर ओलेक्स के माध्यम से बेच देते थे। पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रानीखेत के द्वारसों में तैयार हुआ देश का पहला घास संरक्षण केंद्र, 90 प्रजातियों को किया संरक्षित। वन अनुसंधान केंद्र ने रानीखेत के द्वारसों में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। 3 एकड़ क्षेत्र में फैले इस केंद्र में घास की 90 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। कैंपा योजना के तहत तैयार अनुसंधान केंद्र में 3 साल में 6 लाख रुपए की लागत से घास संरक्षण केंद्र तैयार किया गया। इसमें उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों की घास को भी संरक्षित किया गया है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। सांसद बलूनी का कहना है कि ऐसे ऑफिसर जो विकास कार्यों की गति को रोकते हैं या धीमा करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए विकास कार्य तेजी से होने चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सभी सियासी पार्टियों को किसान और जवान याद आ रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सम्मान समारोह और सम्मेलनों के बहाने इन वर्गों को अपनी तरफ खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछले 1 महीने में कांग्रेस के पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का सिलसिला जारी है। आज से भाजपा ने भी चमोली जिले के देवल ब्लॉक के सवाड़ गाँव से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह की शुरुआत की है। आज इसे आम आदमी पार्टी ने जिला उधम सिंह नगर में किसान सम्मान यात्रा शुरू करके अपना दूसरा अभियान शुरू कर दिया है।
उत्तराखंड में हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से लिखी गई पुस्तक में हिंदुत्व पर टिप्पणी के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद हरीश रावत खुलकर हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। यूथ हेस्को ने की टोंस नदी की सफाई, जगह जगह बिक्री पड़ी थी पूजन सामग्री। आम जनता से की अपील, टोंस नदी में जगह जगह पूजन सामग्री बिक्री पड़ी थी, इससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी के निर्देश पर बाल दिवस के मौके पर यूथ हेस्को की टीम ने नदी में सफाई अभियान चलाया था। अक्टूबर में पश्चिमी विक्षोभ व बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के दोहरे सिस्टम ने उत्तराखंड में आपदा ला दी है। अब मौसम रूठ जैसा गया है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने से उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। कुमाऊं में नवंबर में बारिश नहीं हुई है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले 2 सप्ताह तक बारिश के आसार भी नहीं है। ऐसे में पूरा नवंबर शुष्क बीत सकता है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से और खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।